हाय गाइस, मैं शॉन, तो आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉन। और स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको लॉन्चर में नया मार्च का अपडेट है, कुछ नया फीचर देखने को मिला कि नहीं, स्टूडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फाइनली पोको लॉन्चर का अपडेट आया पोको एक्स टू में, और क्या नया फीचर देखने को मिलता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। और अगर आप देखिए तो इसमें जैसे आप अपडेट करके होल्ड कीजिएगा तो पहले आपको वॉलपेपर देखने को मिलता था, बट अभी आपको ब्लर हटा के पूरा डार्क कर दिया गया है, तो शायद आप कुछ नया फीचर देखने को मिलता है। और अगर आप जाइएगा मोर में, होम स्क्रीन में, तो होम स्क्रीन में ऐसा कुछ नया फीचर देखने को नहीं मिलता जो कि शायद आप नोटिस कर सके कि आपको कुछ नया ऐसा मतलब डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। और अगर आप जाइए इसका वर्जन चेक कीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा 2.20.1.25, जो कि पहले आपका 24 था, तो एक वर्जन जंप किया है। और कुछ नया देखने को मिलता है कि नहीं कुछ ऐसा तो पता नहीं है, बट एक चेंज तो देखने को मिलता था कि आपका ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस या ऑप्टिमाइज लॉन्चर परफॉर्मेंस जो भी था, तो हर दिन इसका ऑप्टिमाइजेशन होता है हर एक अपडेट में। तो अब लास्ट में आपका पोको लॉन्चर जो उड़ने वाला है, मतलब काइंड ऑफ रॉकेट ही बन जाएगा ना, तो वेट कीजिए कब तक बनता है। और इसमें आपका मतलब आइकन पैकेज में फिर से प्रॉब्लम था, जो कि मेरे साथ, मैं तो हमेशा फेस करता हूँ इसका सेम प्रॉब्लम। तो पहले आपका जैसे ही क्रोम में टैप करते थे तो उसमें आपको कुछ बग टाइप शो होता था, अभी जो कि आपका फिक्स हो चुका है। तो आई गेस पोको लॉन्चर में आइकन वाला जो प्रॉब्लम फाइनली 15-10 अपडेट के बाद फिक्स हुआ होगा। तो अगर आपको अपडेट करना तो ये अपडेट कर लीजिए, फाइनली इसमें ऑप्टिमाइजेशन हुआ है कुछ ना कुछ, और ऐसा कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन तो हुआ नहीं। और इसमें आपको ऐप ड्रॉअर में कुछ नया यूआई या थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया, जो कि शायद आप नोटिस किए होंगे कि नहीं, आपको देखने को मिल जाएगा। तो और कुछ ऐसा नया फीचर नहीं है, बट इस बार आपका जो ऐप है, मतलब कि फाइनली ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एनिमेशन है वो आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया, जो कि आप देख सकते हैं। और फाइनली फाइन चल रहा है ओके वाला, मतलब लॉन्चर अभी, पहले आपको जो एनिमेशन है सही से शो नहीं करता था, मतलब काइंड ऑफ शो ही नहीं करता था। तो देख सकते हैं कि कोई कोई स्किप हो रहा है, कोई कोई में आपका शो कर रहा है, जो कि सिस्टम ऐप्स है उसमें आपका एनिमेशन जो शो कर रहा है, और दूसरा जैसे कि आपका थर्ड पार्टी ऐप्स है उसमें आपका एनिमेशन शो नहीं कर रहा है। तो पोको लॉन्चर का ये कब फिक्स होगा ये मुझे भी नहीं पता, बट पहले आपका जो मतलब सेटिंग्स में भी एनिमेशन शो नहीं करता था, अभी आपका एनिमेशन शो करना स्टार्ट हो गया। तो इस बार आपका पोको लॉन्चर पहले से काफ़ी बेटर है। और अगर आपको ये इंस्टॉल करना है या अपडेट करना है आपका पोको लॉन्चर का, तो उसमें आपको कुछ ऐसा बग नहीं मेजर जो कि आपको शायद इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, तो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आपका खाली पोको एक्स टू प्रो में अपडेट है, जो कि आपका एंड्रॉइड 11 जिसमें है, तो उसके साथ कुछ नया फीचर देखने को मिल सकता है, बट बाकी सब डिवाइस में नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली आप जाइए डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से, जाइए फिर फाइल मैनेजर में सर्च करके फिर अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मतलब सेकंड लगता है, तो आराम से जाइए थोड़ा वेट करके अपडेट कर लीजिए। और उसके बाद जैसे आप स्वाइप अप कीजिएगा ऐप ड्रॉअर में, तो आपको कुछ नया यूआई या नया लुक देखने को मिल सकता है, जो कि आप मतलब ध्यान नहीं दिया होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ऑब्वियसली जैसे आप स्वाइप अप कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा ऐप ड्रॉअर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ उसका सर्च बार, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। और आपका जो यूआई है उसमें आपको राउंडेड एजेस जो है पहले से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो चूँकि आप ध्यान से अगर देखिए, डार्क मोड अनेबल करके तो आपको देखने को मिलेगा। और आपका ऐड वाला जो प्रॉब्लम था इस बार आपको शो नहीं कर रहा, वो जो फीचर वो आपको हटा दिया गया आई गेस। तो इस बार का अपडेट जो है अच्छा, अगर आपको अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं, आपको लिंक जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप आपको शायद वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसा अपडेट्स और थीम्स का ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो चाहिए, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को मतलब टैप करना ना भूले, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन कॉल में रख दीजिए। और कोई प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।